के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज हमारे मॉड्यूल बी का पहला चैप्टर, जो कि हमारे सीआईवी के एवीएम बुक का यूनिट 12 है, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है। फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक टॉपिक है और इसके बाद जो टॉपिक है वो है बॉन्ड वैल्यू। सर, दोनों आपस में रिलेटेड है, कोरिलेटेड है, तो बहुत सारा टर्म हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का जो कि वहां भी यूज होगा। तो इसे समझिए कि ये बेसिक चीज है और इस बेसिक चीज का यूज होगा बॉन्ड वैल्यूएशन में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के बारे में जान लें कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकल बैलून रिप्लेसमेंट लोन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो हमें से न्यूमेरिकल टाइप ही पूछे जाएंगे इसमें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ये दो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट के कैश फ्लो में कन्वर्ट करना डिस्काउंटिंग कहलाता है। ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास कोई कैश फ्लो है जो कि फ्यूचर में जनरेट होगा, ठीक है, और उसका हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं कि आखिर उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जैसे आप एग्जांपल के रूप में सिंपल सा एग्जांपल लिखिए, जैसे जेआईवी का इंक्रीमेंट तो आपको हर एक महीना मिलता रहेगा वो इंक्रीमेंट। तो वो इंक्रीमेंट का आप यदि अभी का वैल्यू निकाल रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसका, तो वही हमारा डिस्काउंटिंग है। अच्छा, अब देखिए उसका उल्टा क्या है कि प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर कैश फ्लो में बदलना, वो हमारा कंपाउंडिंग होता है। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप जो है उस 10 लाख रुपए का मंथली इंटरेस्ट स्कीम लगा दिए, दैट मीन्स उससे जनरेट होने वाला इंटरेस्ट आप मंथली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये है हमारा कंपाउंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा लॉजिक से मैंने समझा दिया कि फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट कैश फ्लो में बदलना हमारा कहलाता है डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर कैश फ्लो में बदलना हमारा कहलाता है कंपाउंडिंग। आइए अब हम लोग इस डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के गेम को अच्छे से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये कॉन्सेप्ट हमको हेल्प करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। जैसे कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका हमको यदि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक टर्म है डिस्काउंट रेट, पहले उसे समझते हैं या फिर डिस्काउंट रेट क्या है। देखिए दोस्तों, जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को ट्रेड किया जाता है उसे ही हम लोग डिस्काउंट रेट करते हैं। मार्केट में जिस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को ट्रेड किया जाता है वही कहलाता है हमारा डिस्काउंट रेट। अब हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए, हाउ डू वी कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, Cn इज इक्वल टू PV इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। देखिए दोस्तों, यहां भी हम लोग Cn को रिप्लेस कर सकते हैं FV से, FV यानी कि फ्यूचर वैल्यू। सो वी कैन राइट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जिन्हें हमें समझना है। R क्या है हमारा? R है हमारा डिस्काउंट रेट। N क्या है हमारा? N है नंबर ऑफ इयर्स। तो यदि हमको डिस्काउंट रेट पता हो, प्रेजेंट वैल्यू पता हो, नंबर ऑफ इयर्स पता हो, तो इस बेसिस पे हम लोग फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। और कन्वर्सली, यदि फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, साथ ही साथ डिस्काउंट रेट और नंबर ऑफ इयर्स दिए हुए हैं, तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आइए इसी चीज को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो कि 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया बैंक के फिक्स डिपॉजिट में, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब हमको ये जानना है कि वो 9% पर एनम ब्याज के दर पर एनुअल कंपाउंडिंग होगा, ठीक है, तो वो कितना उसको मिलेगा पैसा। तो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, यदि हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दी गई है जो कि 10 लाख है, ओके, और हमें क्या फाइंड करना है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना है, किसका? इसी प्रेजेंट वैल्यू का। देखिए ये कंपाउंडिंग का केस है, जैसा कि मैंने ऊपर समझाया था कि हम लोग कर क्या रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में बदल रहे हैं, यही तो होता है कंपाउंडिंग। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट वैल्यू बताइए कितना है? 10 लाख है, तो पीवी की जगह हम लोग लिख देंगे 10 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि डिस्काउंट रेट कितना है? 9%। अभी मैंने बताया था जिस रेट पर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू को ट्रेड किया जाता है वही तो है डिस्काउंट रेट हमारा, जो कि यहाँ पे कितना है? 9%। तो 1 + 0.09 दैट इज इक्वल टू 1.09, और टाइम पीरियड कितना है? 2 ईयर्स, तो एन के जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फाइनल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा 11,88,100। ठीक है दोस्तों,
ओके okay, अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें सिंगल कैश फ्लो का, देखिए दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंगल कैश फ्लो का, और इसी टॉपिक में कुछ देर बाद मैं बात करूंगा मल्टीपल कैश फ्लो का। तो ये दो चीज है, सिंगल कैश फ्लो और एक मल्टीपल कैश फ्लो। तो यदि सिंगल कैश फ्लो है और उसका हमको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, तो वो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अ पर्सन वांट्स टू गेट रुपीज 10 लाख एट द एंड ऑफ 1 ईयर, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट नाउ एट द रेट 9% पर एनम। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल में हमें 10 लाख दी हुई है, ये 10 लाख प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है, कैसे समझेंगे? तो ये तो फ्यूचर वैल्यू है, साफ साफ लिखा हुआ है, वो फ्यूचर में चाहता है कि उसे 10 लाख मिले, तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, टाइम कितने दिया हुआ है 1 ईयर, दैट मीन्स एन का वैल्यू हम लोग लेंगे 1 ईयर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 9%, दैट मीन्स आर हम लोग लेंगे 0.09। अब करना क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। अब हमें इस केस में पी वी निकालना है, तो पी वी को हम लोग लिख सकते हैं एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन। बस वैल्यू को पुट करना है, आंसर को लाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हो सकता है 2 ईयर होगा, मैंने गलती से 1 ईयर लिखा है, तो इसी कारण मैंने पावर जो लिखा है वो 2 लिखा है। तो आप लोग करेक्शन कर लेंगे कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2 साल का। ओके, तो ये था हमारा सिंगल कैश फ्लो के केस में, कैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू दिया हो तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, और यदि फ्यूचर वैल्यू दिया हो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये 2 सिंपल केस हम लोग आप समझ चुके हैं। अब हमारा बेसिक मजबूत हो चुका है, अब इसी बेसिस पर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ एडवांस टर्मिनोलॉजी। जैसे कि पहला एडवांस टर्मिनोलॉजी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है दोस्तों, देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बार डिस्काउंट फैक्टर के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम लोग 1/1 + r^n लिख रहे हैं, यही है हमारा डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर को हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग गलती करते हैं कि डिस्काउंट फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं, नहीं, डिस्काउंट फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाएगा। किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि आखिर डिस्काउंट फैक्टर का क्या रोल है, डिस्काउंट फैक्टर होता क्या है। बेसिकली ये जो 1/1 + r है, वही है हमारा डिस्काउंट फैक्टर। यदि 1 साल के लिए होगा तो 1/1 + r होगा, 2 साल के लिए होगा तो 1/1 + r का स्क्वायर होगा, 3 साल के लिए होगा तो 1/1 + r का क्यूब होगा, और यदि n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होगा तो 1/1 + r^n होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा। और डिस्काउंट फैक्टर को हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को। बेसिकली नेट प्रेजेंट वैल्यू है क्या, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। तो जितने भी फ्यूचर के कैश फ्लो हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, और उसको उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो मिलेगा वही हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर से दोस्तों एक बार समझ लेते हैं, मैंने क्या बताया कि जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो हैं उनका आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, और माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका खर्चा इनिशियल लगा, जो भी आपने इनिशियल इन्वेस्ट किया, उससे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलता है, NPV, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब जो मैंने कहा उसका मैथमेटिकल टर्म्स क्या होगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए C1 है पहला साल का कैश फ्लो, C2 है दूसरा साल का कैश फ्लो, CN है nth ईयर का कैश फ्लो, और C0 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स आप जरा ये बताइए कि यदि हम C1 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने कैसे निकालेंगे, तो C1 डिवाइडेड बाय 1 + r, C1 को हम लोग उसके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी तो मैंने बताया था कि डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंट फैक्टर होता है 1/1 + r, और यहाँ पे कितना साल का बात हो रहा है, 1 साल का, तो पावर हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ओके अब जरा बताइए दोस्त C2 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो C2 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिस्काउंट फैक्टर से, जो कि हो जाएगा हमारा C2 डिवाइडेड बाय 1 + r का स्क्वायर। C3 का कितना होगा, C3 डिवाइडेड बाय 1 + r^3। फिर से मैं बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। ओके, उसी तरह CN का कितना हो जाएगा, CN डिवाइडेड बाय 1 + r^n। और फाइनली हम इन टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर कैश फ्लो का हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया सभी को ऐड करके, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसमें से हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा, C0। तो फाइनली जब हम लोग C1 / 1 + r + C2 / 1 + r का स्क्वायर +
प्लस डॉट 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 प्लस सी एन प्लस सी एन बाई वन प्लस आर टू द पावर एन माइनस सी जीरो, यही है हमारा एनपीवी। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली यही है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू का। अच्छा, अब हम लोग ये समझते हैं कि ये जो एनपीवी मेथड है किसी भी सर्टेन डिस्काउंट रेट पे, ये जो हमें वैल्यू देता है उससे क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब यदि एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है तो उसका क्या मीनिंग है। आइए समझते हैं दोस्तों, यदि एनपीवी का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स यदि एनपीवी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो आप लोग उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है, यस दैट कैन बी एक्सेप्टेड। ओके फ्रेंड्स, नाउ यदि एनपीवी का वैल्यू जीरो है तो उसे भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यदि एनपीवी का वैल्यू नेगेटिव है तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। सो पॉजिटिव एनपीवी आर एक्सेप्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट, वेयरएज नेगेटिव एनपीवी आर नॉट एक्सेप्टेड। दैट इज अ रियल थिंग व्हिच वी कीप इन माइंड। चलिए दोस्तों, अब हम लोगों को अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, अगला जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है एन्यूटी। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सिंगल कैश फ्लो का था, अब आता है बात मल्टीपल कैश फ्लो का। आखिर एन्यूटी होता क्या है? एन्यूटी एक कॉन्स्टेंट कैश फ्लो है जो कि रेगुलर इंटरवल पे ऑकर होता है। इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं अ कॉन्स्टेंट कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आरडी या होम लोन ईएमआई। आरडी यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, रेकरिंग डिपॉजिट ही एक एन्यूटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, या होम लोन का जो ईएमआई है वो भी रेकरिंग डिपॉजिट का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो एन्यूटी के बारे में मैंने क्या बताया, अ कॉन्स्टेंट कैश फ्लो दैट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल, और इसका एग्जाम्पल है रेकरिंग डिपॉजिट या होम लोन ईएमआई। नाउ एन्यूटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी एन्यूटी एंड सेकेंड वन इज एन्यूटी ड्यू। पहला केस है ऑर्डिनरी एन्यूटी का, दूसरा केस है हमारा एन्यूटी ड्यू का। आखिर ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या होता है? जैसे आप यदि ईएमआई पे कर रहे हैं लेकिन मंथ के शुरू में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एन्यूटी ड्यू में आएगा, और यदि मंथ के लास्ट में पे कर रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी एन्यूटी का लाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कोई आरडी है, आप सर्टेन अमाउंट का आरडी को खोले, 2000 का मान लीजिए, 2000 का आरडी का जो पेमेंट है पर मंथ, वो आप यदि एंड में कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी एन्यूटी और शुरू में कर रहे हैं तो एन्यूटी ड्यू, दैट्स ऑल। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं परपेचुटी का। देखिए, परपेचुअल का मतलब होता है जो चीज कंटिन्यूअसली होता रहे, रुके ही नहीं। तो उसी तरह यहाँ परपेचुटी का मतलब क्या होता है, ये भी एक कैश फ्लो का एग्जाम्पल है जो कि कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स होगा, लेकिन रेगुलर इंटरवल के लिए होगा और हमेशा के लिए होगा, इसका कोई एंड ही नहीं होगा, इसीलिए नाम इसका बड़ा परपेचुटी। परपेचुअल मीन्स समथिंग विच हैपेंस फॉरएवर। ओके, लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, सो दिस इज परपेचुअल थिंग। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग परपेचुटी का बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा पेंशन पेमेंट, या अटल, जैसे अटल पेंशन योजना हुआ या पेंशन का पेमेंट हुआ, ये सब हमारा परपेचुटी है। चलिए, आइए जो भी हमने यहाँ सीखा उसे उसका एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं इन चीजों को। अ पर्सन एक्सपेक्ट टू रिसीव ₹1000 एनुअली फॉर नेक्स्ट 4 ईयर एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट ही इज गेटिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है जिसे ₹1000 हर एक साल मिलेगा अगले 4 साल तक, तो 10% ब्याज के दर पर वो जो उसे मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझिए, पहला साल कितना मिलेगा 1000, दूसरे साल कितना मिलेगा 1000, तीसरे साल 1000, चौथा साल 1000। तो पहले हम लोग ये करते हैं कि ये जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, हमने सीखा ही है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 बाय r फर्स्ट ईयर के लिए, जो कि हमें दे देगा 909। सेकेंड ईयर का कैसे निकालेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 का स्क्वायर, जो कि हमें दे देगा 826। थर्ड ईयर का कैसे निकालेंगे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 to the power 3, जिसका रिजल्ट आएगा 751। और फोर्थ ईयर का निकालेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 to the power 4, जो कि आ जाएगा 683। अब फाइनली क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए इन सभी को जोड़ देंगे। तो यदि हम सबको ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 3178, जो कि हमें मिल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दिस इन्वेस्टमेंट। देखिए दोस्तों, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है जिसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है C into 1 + r to the power n - 1 / r into 1 + r to the power n।
आपको बस वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे सी क्या है हमारा, सी है हमारा जो कि एनुअल अमाउंट जो कि हमें मिलेगा, क्योंकि 1000 है इस केस में। आर कितना है, आर है 0.01, एन कितना है 4 ईयर्स। वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा 3178। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग ये सीख रहे हैं कि यदि ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ड्यू एन्युटी ड्यू है, ठीक है दोस्तों, ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू है जो कि जनरल केस में ऑर्डिनरी ही रहता है, मतलब हम लोग एंड में कैश को पे कर रहे हैं, तो उस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो है सी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। दोस्तों आपको ये एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेना है इस फॉर्मूले को। आइए एक और एग्जाम्पल से इसका यूज समझते हैं। जैसे कोई आदमी बी है, वो 9000 रुपया एनुअली एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे मिलेगा, 9000 हर एक सालाना मिलेगा अगले 5 साल तक, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो एक तो तरीका है वो मेथड जो कि मैंने अभी पिछले केस में बताया, और वो लेंदी भी है, तो उसके सबसे उसका अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने बताया है फॉर्मूला बेस्ड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। आपको करना ये है कि फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है सही सही। तो सी कितना पुट करेंगे हम लोग, 9000। आर कितना पुट करेंगे, 0.12। एन कितना पुट करेंगे, 5 ईयर्स। और हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा 32443, जो कि आसानी से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू द मग अप द फॉर्मूला, मग अप द फॉर्मूला विच इज रिटर्न अबव। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, जो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है उसमें 1 + r से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, बस वो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या फॉर्मूला सीखा था, सी इंटू 1 + r टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 + r टू द पावर एन। लेकिन इसके साथ साथ इंटू 1 + r कर देंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैसे निकाला जाए। फ्यूचर वैल्यू निकाल का फॉर्मूला काफी आसान है दोस्तों, सी इंटू 1 + r टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। देखिए नीचे में केवल एक ही टर्म है जो कि आर है, जो कि काफी आसानी से याद हो सकता है। उसी तरह एन्युटी ड्यू का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 1 + r से गुना कर देना है। मतलब कि ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला आपको पता है और एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला निकालना है तो उसको 1 + r से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों 2-3 बार इसको फॉर्मूले को देखिएगा इन चारों को, तो आपको इन चारों फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। आपको केस को ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा केस पूछा जा रहा है। यदि कुछ नहीं लिखा तो आप लोग ऑर्डिनरी एन्युटी ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि लिख दिया है कि नहीं पेमेंट जो है वो मंथ के शुरुआत में है, तब तो ऑब्वियस ही बात है वो एन्युटी ड्यू कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अच्छा, आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। अभी तक देखिए, अभी तक हमको क्या दिया गया था, अभी तक हमको प्रेजेंट वैल्यू दिया होता था, अभी तक हमको एन्युटी दिया होता था, प्रेजेंट वैल्यू पूछा जाता था। अब उल्टा भी हो सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू दे दे एन्युटी पूछे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिख दिया है। आइए एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन बी है, उसको 5 लाख की जरूरत है अपने बेटी का एडमिशन कराना है IIT में 4 साल बाद, ठीक है दोस्तों। 10% ब्याज के दर पर, 10% ब्याज की दर पर उससे पूछा गया है कि वो कितना एनुअल डिपॉजिट करेगा ताकि 4 साल बाद उसे 5 लाख रुपया मिल जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए उल्टा है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए फ्यूचर वैल्यू का, क्योंकि होता है सी इंटू 1 + r टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। इस केस में बताइए दोस्तों फ्यूचर वैल्यू कितना है, 5 लाख है, और आर कितना है हमारा, 10% है, और इसे हम लोग वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जिसे हमें सी का वैल्यू निकालना है। सी यानी कि एनुअली हमें अभी कितना डिपॉजिट करना होगा ताकि हमें 5 लाख मिल पाए। चलिए तो हम लोगों ने हर एक तरह का पॉसिबल केस को डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड फॉर्मूले को डिस्कस कर लिया। अब अप्लाई कैसे करना है इन सही फॉर्मूले को, उसके लिए मैं एक अलग से लेसन लेके आऊँगा जो कि बेसिकली केस स्टडी पे बेस्ड होगा। चलिए इसके अलावा 2 चीज़ और हैं जो कि इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। एक है बैलून रिपेमेंट लोन। देखिए इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए होता क्या है, ये एक ऐसा लोन है जिसपे इंटरेस्ट जो है लोन के लाइफ तक पे किया जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल का जो इंटायर अमाउंट है वो लोन के अंत में, लोन का जो लाइफ है उसके अंत में पे किया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट आप हर एक महीना EMI के रूप में पे करेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लोन के जब एंडिंग आएगा लोन का EMI का तब पे करेंगे, वही होता है हमारा बैलून रिपेमेंट लोन। अच्छा इसके अलावा एक और टर्म है सिंकिंग फंड। देखिए ये क्या है, अ फंड
टू विच फर्म मेक एनुअल कंट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू हैव एनफ फंड टू मीट अ लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द फ्यूचर। जैसे किसी फर्म को कोई लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी को फ्यूचर में देखना है, मीट करना है, तो उसको मीट करने के लिए उसको जरूरत है कुछ लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी की। जैसे आप समझिए कि आपको एक घर लेना है जो कि 50 लाख का है, समझिए कुछ अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मंथली या ईयरली कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते जाएंगे। तो ऐसे फंड को ही हम लोग सिंकिंग फंड कहते हैं। टू मीट अ लार्ज फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द फ्यूचर द फंड दैट फर्म्स मेक एनुअल कंट्रीब्यूशन, साल भर जो सालाना जो कंट्रीब्यूट किया जाता है वही कहलाता है हमारा सिंकिंग फंड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें मैंने डिस्कस किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। होपफुली आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, और इस फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, उसे ध्यान से देखिए, उसे समझिए, और इस लेसन को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।